1 to 8 और किस चीज के चला जी, आप फूफो की मिठाई की बारी है। आंटी मम्मा देखो नहीं फूफो की बाबा तेरे। अस्सलाम वालेकुम, जैद ने जब हमें गुड न्यूज सुनाई हमने फौरन मिठाई मंगवाई और उसको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। आपको भी अपनी खुशियों में शरीक करते हैं, हमने अपने इस इवेंट को किस तरह सेलिब्रेट किया, तो चले चलते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये जैद के लिए और यमुना के लिए है। क्यों? खुशी के लिए, बेबी की खुशी के लिए। और उसका कोई नाम नाम रखे हुए मैंने। अच्छा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उन ताओ के बॉय और गर्ल, अभी तक कुछ पता नहीं आप लोगों को। ओके मेन चीज ये बस सब मन लिया था हेल्थी हो बस इंशाल्लाह। और ये मम्मा की तरफ से नहीं, ये रसगुल्ला। रसगुल्ला रसगुल्ला नहीं, यही जो भी है ये वाइट वाला। दिस इज कॉल्ड रसगुल्ला। या दिस वन। ओके ओके 1 to 8 और किस चीज के लिए? उसके पेट में पहले पहुंच गया था। थोड़ा सीधा पेट में डालने की कोशिश, जैसे लोग करते हैं ना कि वो कभी मुंह पे लगा लेते हैं कभी नाक पे। मैंने कहा ऐसे नहीं करना, न्यू स्टाइल। आपको मेरा स्टाइल पसंद आया, मैंने बिल्कुल न्यू स्टाइल अपनाया है। दैट्स गुड। और जिस चीज ने चाय पीनी है आपने सारा खाना है ना? आधा खाना, हाफ तो आप खा चुके हैं। प्लेट लगा दो। ओके मम्मा प्यार से, मम्मा प्यार से। एक सेकंड प्लेट के आंटी तो ऐसे कह रही है जैसे वो नहीं, तो कोई रसम चल रही है, दूध पिलाएगी। चलो जी, आप फूफो की मिठाई की बारी है। आंटी मम्मा देखो नहीं फूफो की चालाकी है, नहीं बाबा तेरे का। यमुना एंजॉय कर रही है कि आमना के साथ क्या होने वाला है अभी। मैं पहले से खोल, अब मैं कोई नया स्टाइल सोच रही हूँ। अब ना तुम्हें ये न्यू स्टाइल मैंने कर लिया, मैंने उंगलियां आपकी काट ली, ये मैंने न्यू स्टाइल कर लिया। ओके मैंने कहा था ना मैं नया स्टाइल सोच रही हूँ, पहले दो स्टाइल नो। ये मॉम इंट्रोड्यूस करा रही है न्यू स्टाइल लड्डू खिलाने के। सारा खा गई, इट मीन्स बहुत खुश है। और नो क्या नो, तो बहुत और लग रहा है, मैं खुद खा रही हूँ तो आपको किसी को खिलाना चाहिए ना। यस सबको तो खिला चुकी हूँ मैं, सबको खिलाया, मुझे कोई भी नहीं खिला रहा। दैट्स सो वियर्ड। चलो जरा समोसा खिला दे। यस दैट्स गुड। पूरा खिलाना था ना, तूने चांस मिस कर लिया। Good. Thank you. Hasan, how are you feeling? Hasan, how are you feeling? First, I'm really happy for them. बहुत खुश। कितनी खुशी का लेवल? Out of 10? Out of 10 कितना? 1000 out of 10 है माशाल्लाह। 1000 out of 10. Wow. So, यमुना को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गई है और ये जेलस ले जा रहा है। आईज पप्पी करते थे ये। देखो ऐसे करके इधर पप्पी तो हुई नहीं है इसमें, जैसे जो मेरी पलकी होती थी ना वो उसके साथ टिंग करती थी ऐसे। वो तो जब 2 साल का होता था तब होती होगी ना। बैठे इधर, मैं आपको बताना है कुछ। इधर आए बैठे इधर। आपको जो है ना वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग ऑथर होना चाहिए। आपकी स्टोरी कहानियां बनाती है ना, रियल कंटेंट क्रिएटर तो यहाँ पे है मम्मा। अब माशाल्लाह बड़ा हो गया।
और अब तो बहुत बड़ा अपग्रेड होने वाला है, और अपग्रेडेशन होने वाली है जाद की. Yes. The funniest thing I still can't get out of my head. मैं दादी हूँ, आप दादी, मैं दादी हूँ. I swear. मैं दादी बन गई हूँ. बन गई क्या आप दादी? हाँ. मैं क्या कह रहा हूँ मम्मा? बन गई हूँ. हाँ. बन गई हैं आप. दादी बन गई है. मैं दादी बन गई. हाँ. आप तो बन गई. सच में बन गई है. सच में बन गई. इज्जत कमाओ. अच्छा मम्मा, अगर आपको जेन्युइनली खुशी है ना, तो अभी रो ले. अब ऐसे थोड़ी आते हैं. लेकिन उस वक्त रियली मेरे नेचुरल आए थे. मम्मा आए नहीं थे. अभी बाद में जब जो आए नहीं थे आंसू. आए थे. व्हाई नो आंसू? अब आपने डालना है ऑनेस्टी के साथ वो क्लिप जरूर डाल. मैं किधर से मैं इतनी अच्छी एडिटिंग करता हूँ कि मैं आपका कोई हमशक्ल ढूंढ के उसके आंसू निकाल. देखिए गिरी ग्रीन स्क्रीन नहीं, जिसमें ना पानी गिर रहा हूँ. नो करके आंटी की शक्ल पे पानी गिर रहा. इधर देखें कैमरे की तरफ देखें स्ट्रेट. यमुना ग्रीन स्क्रीन पे थोड़े से आंसू एडिट कर दो. सर मुझे ना तंग करो प्लीज. मॉम दैट्स नॉट फेयर. मुझे लगा सबसे ज्यादा आप मुझे लव करती हैं. तो खुशी के आंसू थे. रियली रियली अब तंग नहीं करो प्लीज. चलो जी कांग्रेचुलेशन. $2,000 ये पे मम्मा गेम बताओ बताओ मुझे बताओ ये कितने बनेंगे. ये होगा तकरीबन मंथ 1.33 होता है ना, तो 2.66 होगा. इतना ही होगा. आजकल 1.28 पे है. ईमानदारी रिजल्ट में तेरे $60 या बताओ. 2560 प्लस HST तो नहीं है. क्या मतलब? क्या मतलब? वो कन्वर्ट कर रहा है ना 2000 के. वो तुम्हारा तुम्हारी ईमेल WXYZ है ना जीमेल. नहीं नहीं यमुना जैद फुल नेम यमुना जैद है ना. वो जैद कमेंट्स में लिख रहा है यमुना जैद. व्हाट इज योर ईमेल अगेन? इज इट यमुना शाहिद? यमुना डॉट शाहिद. नाकामी जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं है. या तो इंसान जीत जाता है या फिर सीख जाता है. नाकाम वही होता है जो कभी सीखता नहीं है.